फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली होली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है। कुछ साल पहले तक हर घर में होली पर गाय के गोबर से बने बड़कुल्लों की मालाएं डाली जाती थी, जिसकी तैयारियां लोग महीने भर पहले ही शुरू कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने के साथ बड़कुल्ले विलुप्त होते जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में कुछ ही लोग गाय के गोबर से बने बड़कुल्लों की मालाएं बनाकर होली पर डालते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़कुल्लों की मालाएं काफी कम हो गई हैं। पहले हर घर में गाय के गोबर से बड़कुल्ले बनाए जाते थे, लेकिन अब केवल नाम मात्र ही कुछ लोग होली पर बड़कुल्लों की माला बनाकर डालते हैं। इन सभी सवालों को लेकर जब हम ग्रामीण क्षेत्र के गांव जमालपुर कला में पहुंचे, जहां कुछ महिलाएं गाय के गोबर से बड़कुल्ले बना रही थीं, कोई महिलाएं बड़कुल्लों की माला तैयार कर रही थी। जमालपुर कला गांव की महिला राजवती गाय के गोबर से बड़कुल्ले बना रही थी। उनसे बड़कुल्लों को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि घर में सुख शांति बनी रहे और बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसी कामना को लेकर वह बड़कुल्ले बना रही है। राजवती का कहना है कि वह काफी साल से बड़कुल्ले बनाती आ रही है। वहीं दूसरी महिला संगीता बताती हैं कि बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बड़कुल्लों की मालाएं बनाई जाती हैं, जो होली दहन के पहले होली पर डाली जाती हैं। और क्या कुछ कहती हैं महिलाएं, सुनिए। ये बड़कुल्ले क्यों बनाते हैं? बच्चों की राजी खुशी, खैर खबर, ठीक ठाक रहो। और करते क्या हैं जब ये सूख जाते हैं? नवोले मैया पे चढ़ाओ। कैसे? बच्चे ले जान, होली के जलने से पहले लेकर जाओ माला में पर होता। बस फायदा तो यो बच्चे राजी खुशी रहो, ठंडी सीढ़ी रहो। ये तो बहुत पुरानी रीत चल रही है। तो ये बड़कुल्ले होली पे चढ़ावा है ना, नवोले मैया पे, ये बच्चों के लिए बना रहे हो, ये अपने बच्चों के लिए, बच्चे ठीक ठाक रहे, वो होली मैया सही रखो बच्चों को, बस ठीक ठाक रहे वो बच्चे, सुरक्षा के लिए मैं लेकर बच्चे जावांगे चढ़ाने से ना। वहीं होली पर बड़कुल्लों की मालाएं डालने का क्या महत्व है, इस बारे में जानकारी करने के लिए हमने ज्योतिष शास्त्र के जानकार शक्तिधर शास्त्री से बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। जब से होली की शुरुआत हुई है तो इसका जो मनाने का ढंग है धीरे धीरे बदलता गया। बड़कुल्ला शब्द है, बड़कुल्ले गोबर के गाय के बनाए जाते हैं। ये क्या है, धूली वंदन, धुलैंडी शब्द है, धूल शब्द से है, धूल उड़ाई उड़ाने की परंपरा है। जो होली जल जाती है उसकी जो राख है वो प्रहलाद की स्मृति में कि माथे पर लगाओ, या उससे होली खेलने की परंपरा थी और है और होनी चाहिए। क्यों? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि ड्राई फ्रूट डालते हैं या मंत्र पढ़ करके कोई लोग बड़कुल्ले डालते हैं, ये गाय के गोबर से बने होते हैं। बसंत ऋतु है ये, और आने वाली जो ऋतु है वो ग्रीष्म ऋतु है। इसमें चेचक या इन्फेक्शंस डिजीज, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में संक्रामक रोगों की बहुतायत होती है और संक्रामक रोग ज़्यादा होते हैं लोगों को। ठीक इसी प्रकार गाय का जो गोबर की राख है वो बड़कुल्ले के माध्यम से, अब आप देखिए गाय के गोबर को अगर डालेंगे अग्नि में तो वो उसका महत्व नहीं होगा, उसकी बाकायदा एक माला बनाई जाएगी, छोटे छोटे गोबर के बड़कुल्ले बना करके उनकी माला बनाई जाएगी और उसको अग्नि में अर्पण किया जाएगा। उसके बाद उसकी जो राख है, जो बच्चे बीमार होते हैं या जिनको माता है, चेचक है या कोई रोग है, उसकी शरीर पर वो भभूति अगर लगाई तो समस्त दुखों को, समस्त पापों को नष्ट करती है। जिन बच्चों को नज़र लगती है या बीमार रहते हैं, ऐसा करने से उनके रोगों का विनाश होता है, ऐसी शास्त्रों की परंपरा है। होली पर होलिका दहन से पहले गाय के गोबर से बने बड़कुल्ले डालने की धार्मिक मान्यता काफी पुरानी है, जो समय बदलने के साथ साथ कम हो गई है। ओम प्रयास, न्यूज 18, हरिद्वार।